नमस्कार दोस्तों, भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर में विभिन्न नृत्यों का खजाना है। इसी श्रेणी में एक विशिष्ट स्थान रखता है कथक नृत्य, और इस नृत्य को महज 9 साल की उम्र में अपनाने वाली और इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अलग पहचान दिलाने वाली प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना, जिन्हें कथक गुरु के नाम से जाना जाता है, डॉक्टर शशि सांखला जी आज हमारे साथ हैं। तो गुरु जी, जैसे कि आपको कहा जाता है डॉक्टर शशि सांखला, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारा राजस्थान पश्चिम राजस्थान के आज के इस एपिसोड में। धन्यवाद। दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगी कि इनके कलात्मक कौशल के लिए इन्हें संगीत नाटक अकादमी और कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। मांड कथक नृत्य में अभिनय का एक सशक्त माध्यम के लिए भारत सरकार के HRD पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा आपको फेलोशिप से सम्मानित भी किया गया है। कथक के प्रचार के लिए आप जयपुर कथक केंद्र में अपनी सेवाएं देती रही हैं और इसके बाद खुद की नृत्य संस्था गीतांजलि म्यूजिक सोसाइटी की स्थापना भी की। तो आइए, कथक नृत्य की शुरुआती दौर से लेकर आज तक के अछूते पहलुओं पर करते हैं खास बातचीत डॉक्टर शशि सांखला यानी गुरुजी से। तो गुरुजी, कथक की ओर आपका झुकाव कब हुआ, क्या कारण था जिसने आपको नृत्य में करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया, आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले ऐसा है कि कथक नृत्य तो मेरे रोम रोम में है, और यूं कहूं कि नृत्य मैं शायद बचपन से ही ऐसा सोचती थी कि कोई म्यूजिक या कुछ भी ऐसा साउंड आता था, पिक्चर भी देखने जाते थे तो मैं एकदम नाचने के लिए आगे तक स्क्रीन तक चली जाती थी, और लोग कहते हैं ये किसकी बच्ची है, इसको ये यहाँ तक आ गई है। फिर मेरे पिताजी मुझे लेके वापस आते थे, तो वो शुरू से ही कुछ ऐसा है कि नृत्य करते समय या कैसे मेरे में ये था, ये मुझे आज भी मुझे पता नहीं है, लेकिन ये मेरे अंदर तक कहीं बसा हुआ है। और करियर की बात तो ये है कि करियर तो बहुत बाद में आता है, पहले हम सीखते हैं तो अलग अलग गुरुओं से सीखते हैं, है ना, और उसके बाद जाकर के हम सोचते हैं कि इसे करियर कैसे बनाए या नहीं बनाए। तो करियर मुझे ऐसा लगा कि मैं नृत्य को जीती हूँ, मैं शायद बनी ही इसलिए ही हूँ। वैसे जैसे सब बच्चे पढ़ाई करते हैं तो मैंने भी पढ़ाई की, हमारे घर में मेरे ब्रदर साइंटिस्ट थे, मेरी भाभी साइंटिस्ट थी, तो हमारे घर में माहौल साइंस का ही था, तो मैं भी साइंस में मैंने BSc की। फिर मैंने सोचा मैं MSc करूंगी, अप्लाई भी कर दिया था, मेरा एक साल निकल भी गया था, बट देन आई गॉट मैरिड, तो वो मेरी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। लेकिन इसी के साथ साथ क्या हुआ कि बचपन से ही नृत्य के प्रति जो मेरा रुझान था तो वो आगे बढ़ता गया, और मेरे मदर फादर और मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो कि उस जमाने में बहुत ही मुश्किल था, वो काम उन्होंने मेरे लिए किया, तो मुझे भी लगा कि मुझे फ्रीडम है तो मैं करूँ। जैसे कि आपने बताया कि नृत्य की तरफ झुकाव तो आपका शुरू से ही था, आप शुरू से ही कहीं ना कहीं नृत्य को अपने मन में रख कर चल रही थी और इसकी ओर आप बढ़ती चली गई, लेकिन जीवन में महत्व बहुत बड़ा होता है किसी गुरु का, क्योंकि वो गुरु ही होते हैं जो आपके उस जुनून को करियर बनाने में आपकी मदद करते हैं और उसे सवारते हैं, उसे निखारते हैं। तो जानना चाहेंगे कि आपके गुरु कौन है जिन्होंने आपको प्रशिक्षित किया। ऐसा है कि एकदम तो कोई कलाकार बन नहीं जाता है, तो जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारे पड़ोस में ही एक सुबोध व्हाट्सएप करके रहते थे, मेरे घर वालों ने कहा कि चलो इसको म्यूजिक सीखना भेजते हैं, तो वहां पर मैंने एक छोटा सा गीत सीखा था, वो मुझे आज भी याद है, मुन्नी के हाथों से सहसा छूट गया गुब्बारा। तो मैं उसको ही ऐसे ऐसे करके अपना सोचती रहती कि गुब्बारा कैसे छूटा होगा, गुब्बारा में हवा भरी होगी, फिर उसको बांधा होगा, फिर ऐसे कैसे छूटा होगा, तो मतलब इस तरह से मेरी इमेजिनेशन चलती रहती थी।
फिर धीरे धीरे मेरे दूसरे मास्टर साहब से मेरा संपर्क हुआ, तो वो दीपक नृत्य सिखाते। वैसे कथक चलता था, ता थे तत आ थे, लेकिन हाथों में ऐसे दीपक लेके और बैलेंस करना और उस तरह का कुछ। पहले कथक में बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, क्योंकि तो नटन विद्या है तो नटों वाला भी इसमें रहता था, बहुत एक्रोबेटिक्स वगैरह होते थे। आपने देखे होंगे कि गोपी कृष्ण जी वगैरह एकदम जमीन पे सिर लगाते थे, उड़ जाते थे, फिर ऊपर उछल के पांव लगा लेते थे, इस तरह से। तो हम लोगों को भी शुरू शुरू में यही सिखाया गया था कि कैसे बॉडी को फ्लेक्सिबल करना है। तो फ्लेक्सिबिलिटी इस तरह से आ गई बॉडी में। उसके बाद मूलचंद जी माठ साहब, उनसे मेरा संपर्क हुआ। जोधपुर में राष्ट्रीय कला मंडल करके एक संस्था थी, जो कि राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी जोधपुर की तरफ से चलती थी। तो वहां पर मुझे कहा भाई वहां भेजो, इसमें बहुत टैलेंट है, तो ये कुछ वहां सीखे। वहां जब मैं गई तो मास्टर साहब मिले, उनसे फिर हमने कथक की थोड़ी सी और कुछ छोटे मोटे टुकड़े वगैरह तोड़े टुकड़े सीखे। बाद में एक दिन पता चला कि वो तो चले गए कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, और हमारे संस्था में कोई गुरु जी जो बड़ौदा से आने हो, तो नाम पता चला कि पंडित कुंदनलाल जी गंगानी जी आ रहे हैं। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि अब हमें दूसरे, क्योंकि इंस्टीट्यूशन थी इसलिए वहां पे टीचर्स बदलते रहते हैं, है ना। तब गुरु जी जब आ गए तब से महसूस होने लगा कि अच्छा ये कथक है, इसको इस तरह से करना है, कथा कही सो कथक, और ये अपना मन शुद्ध होना चाहिए। अगर मन शुद्ध है तो आपका नृत्य, जहाँ मन है वही आपकी आंखें हैं, जहाँ आंखें हैं वही आपके हाथ हैं, जहाँ आपके हाथ हैं वही आपकी दृष्टि है। तो सब एक दूसरे से रिलेटेड हुआ। तब हमें पता चला कि ओके ये है नृत्य, तो ये तो था लेकिन गाइड करने वाला कोई नहीं था। ये गाइडेंस मुझे मेरे गुरु जी से प्राप्त हुई। क्या कहने, कितने खूबसूरती से आपने हमें बताया है कि किस तरह से कथक, और क्यों कथक को जब हम देखते हैं तो एक सुंदर सा नृत्य लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक संपूर्ण कला है जो कि पूरे मन और शरीर को एक साथ सुंदर भावों में प्रस्तुत करती है। बिल्कुल गुरु जी, आपकी नृत्य में जयपुर शैली और कथक शैली का एक सुंदर, एक बहुत ही सूक्ष्म सा मिश्रण दिखाई देता है। साथ ही साथ राजस्थान के मांड गायन में भी आपने अपनी पहचान बनाई है। तो कथक में ये जो प्रयोग आपने किया, इस बारे में आपका क्या विचार है कि किस तरह से ये प्रयोग करने चाहिए और क्या कुछ किया जा सकता है प्रयोगों के अंतर और? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कथक शैली और जयपुर शैली तो एक ही है। शायद आपको कुछ और कहना होगा, आई डोंट नो, मुझे लगा कि शायद आप ऐसा पूछना चाह रही होंगी कि मेरा जो नृत्य है वो लखनऊ शैली से बहुत कुछ मिलता जुलता है। तो उसका जो आपको लगता है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में भी तो प्यार है, हम भी यहाँ के इंसान खाली वीर शौर्य ऐसा ही नहीं है, हमारे अंदर भी दिल है। तो दिल तो धड़कता है, किसी के लिए धड़कता है, हमारा नायक होता है उसके। और राजस्थान में तो बहुत कुछ ऐसा रहा ना बेटा कि सब बाहर जाके उनको नौकरी करनी पड़ती थी, उस समय ऐसा कुछ था नहीं ज्यादा गाँव में, जो खास तौर से हम अगर बात करते हैं तो बाहर जाते थे विदेश, लौट के भी नहीं आते थे, कई वर्षों तक नहीं आते थे। तो नायिका जो होती है कई बार खुश होती है कि मेरा नायक आ रहा है, कभी वो दुखी होती है, विरह में होती है कि पता नहीं मेरा नायक कब आएगा। तो ये सारी जो नायिका भेद है, ये अष्ट नायिकाएं होती हैं स्त्री के, 8 विचारों से और उसके कर्तव्यों से पता चलता है कि वो किस श्रेणी की नायिका है। तो इन सब नायिकाओं का बहुत सुंदर वर्णन हमारे यहाँ की मांड गायकी में किया, जिसे हमें स्वयं को पता नहीं है। तो जब ये आपने पहले बोला कि वो मैंने मांड में फेलोशिप की है, तो चूंकि मैं राजस्थान की जन्मी जाई हूँ,
तो मेरे को राजस्थान का बहुत लोभ है, बहुत मोह है। और मैं छोटी थी तो मेरी माता जी कुछ भी काम करती थी तो गाती रहती थी, वो पूजा करना उनको बहुत अच्छा लगता था तो सुंदर सुंदर भजन गाती थी। तो ऐसे करके मेरे मन में बहुत गायन के प्रति भी मुझे बहुत रुचि हुई और आगे चल के मैंने गायन में भी MA किया। लेकिन मांड के क्या, मेरी मम्मी भी मांड गाती थी, ये हमारे राजस्थान की गायकी है, लोक गायकी है, तो कणकण में समाई भी है, लेकिन नृत्य में ये कैसे इसको उकेरा जा सकता है, कैसे इसकी खूबसूरती को नृत्य के माध्यम से, और वो भी शास्त्रीय नृत्य यानी कथक। कथक नृत्य क्या है, बहुत वास्ट है, इसका एरिया शास्त्रीयता होने के कारण बहुत ओपन है, बहुत दूर तक हम इसको सोच सकते हैं। तो उनके सब बातों को, रसों को और वातावरण को, कभी बरसात है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, ये सब कुछ इसमें मांड में भी दिखाया गया है। तो मुझे लगा कि मैं जो कि बाहर अध्यतन कथक नृत्य में ठुमरी नाचते, तो मैंने सोचा भावों की इसमें बहुत ज्यादा गुंजाइश है, तो मैं अपने ही देश का गीत क्यों नहीं आगे बढ़ाऊं, जो कि हमारे वर्ल्ड फेम है। वैसे हमारे लंगा बंधु वगैरह सब जाते हैं, लेकिन कथक में ये कैसे हो सकता है। हमारा जयपुर घराना भी एक एपेक्स घराना है, उसका भी दुनिया भर में नाम है। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ के होने के कारण कुछ मेरा ऐसा योगदान हो कि शायद इसी चीज से मुझे आगे याद भी किया जाए। लेकिन मैं मांड गायिका नहीं हूँ, जो मुझे बार बार ये कहा जाता है कि भई आप मांड गायिका भी हैं, तो मैं मांड गायिका नहीं हूँ। मैंने मांड गायकी पर नृत्य, कथक नृत्य को कोरियोग्राफ किया है, वो मेरी एक अपनी रुचि है और मेरी सोच है, क्योंकि ये एक कथक नृत्य में अभिनय का सशक्त माध्यम है, अभिनय की इसमें बहुत गुंजाइश है। तो मैं ठुमरी के समकक्ष कथक नृत्य में अपनी जयपुर की, राजस्थान की जो मांड गायकी है उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, और लगता है गुरुजी कि जब ये प्रयोग किए जाते हैं, यानी इस तरह के जिसे फ्यूजन भी कहा जाता है आजकल, कि दो विधाओं को मिलाया जाए और उन्हें प्रस्तुत किया जाए, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि प्रयोग करने से जो नई पीढ़ी है वो इनसे जुड़ना चाहती है। मगर आप इतने समय से कथक नृत्य को आगे बढ़ाने की और खुद करके लोगों को सिखाने की भी कोशिश कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप कि कथक नृत्य की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए और क्या कोशिशें होनी चाहिए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन बहुत अच्छा भी है, मेरे को तो बहुत पसंद है इस पे डिस्कस करना। कि पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो कथक, जैसे कि बॉलीवुड एक पूरी इंडस्ट्री है, तो ये हमारी कथक, हमारा जयपुर घराना एक इंडस्ट्री के रूप में आना चाहिए। कभी इसको इस तरह से किसी ने सोचा नहीं, कभी बोले भी तो उस बातों को दबा दिया गया, लेकिन चाहती हमेशा मैं यही हूँ कि कथक नृत्य तो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, उसको किसी की आवश्यकता ही नहीं है, और थोड़ा सा अगर सहयोग प्राप्त हो जाए तो कलाकार को तो क्या तालियां चाहिए, वाहवा चाहिए, उसका पेट भर जाता है वहीं पर। तो थोड़ा अगर हम लोगों को सपोर्ट मिले तो ये तो एक इंडस्ट्री बन सकती है, इसमें शास्त्रीयता भी है तो लोक नृत्य भी है, लोक गीत भी है। तो इस कला को तो बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि हम स्कूलों में, जब तक, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, हम 2.5-3 साल के बच्चे को स्कूल भेज देते हैं आजकल, किंडरगार्टन में भेज देते हैं, ठीक है, तो वो ABCD सीखता है, क ख ग घ ड़ सीखता है, 1 2 3 4 सीखता है, तो वहां से कथक, क से कथक भी तो सिखाया जा सकता है, क से कमल ही क्यों है, तो क से कथक भी तो हो सकता है, कथक यानी कथा कहे सो कथक, तो उनको छोटी छोटी पौराणिक कथाओं से, इनसे भी तो लुभाया जा सकता है उनको, राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, हमारे जो इतने प्रकार के नायक हुए हैं उन सबके बारे में, राजाओं के बारे में, जो हम धीरे धीरे लेके आते हैं, लेकिन एक जगह आकर के
पेरेंट्स को ही रहता है कि साइंस पढ़ो, मैथ्स पढ़ो, ये पढ़ो, ना मार्क्स सिक्योर करो, लेकिन सब्जेक्ट नहीं है ना कथक, खाली एक शौकिया है। और मेरे लिए भी अगर ये शौकिया होता तो मैं इसकी कभी परवाह नहीं करती। जी, यहाँ मुझे लगता है कि सब मेरे ख्याल से हमारे दर्शक भी ये चीज मानेंगे कि आर्ट फॉर्म जो होता है वो कोई भी हो, किसी भी तरह का नृत्य हो या संगीत हो, वो हमें मोटिवेटेड भी रखता है। यानी हमारा लक्ष्य जिंदगी में कुछ और भी हो तो भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन, एक स्ट्रेस फ्री रहने की जो जरूरत होती है उसे भी ये आर्ट फॉर्म्स पूरा करते हैं। और यदि हम जाएं इन ट्रेडिशनल फॉर्म्स पर यानी कथक, तो वो कई सारी कहानियां बयान करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमें नॉलेज भी देते हैं, हमारी हिस्ट्री से हमारा रिलेशन, हमारे रूट से हमारा जो संबंध है वो कहीं ना कहीं मजबूत जरूर करते हैं। बिल्कुल, रूट से तो जुड़ना ही पड़ता है, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं हो पाता। और मोटिवेशन तो कलाकार तो अपने आप में ही मोटिवेट होता रहता है, उसको मोटिवेट करने की आवश्यकता नहीं है, उसको आवश्यकता है प्रोग्राम्स की। जैसे कि अभी पैंडेमिक में क्या हो रहा है, अब थोड़ा ठीक ठीक हुआ है तो स्कूल भी खुलने वाले हैं, सुना है, तो मार्केट तो ऑन है, पूरा पूरी रोड्स भरी है, ऑफिसेस खुल गए, सब खुल गए, लेकिन व्हाई नॉट कि प्रोग्राम्स का क्यों नहीं सिलसिला शुरू हुआ। कलाकार का क्या, उसकी जिंदगी तो वही है, तो कलाकार के लिए तो उसका प्रोग्राम बहुत इम्पोर्टेंट है, वो उसको मोटिवेट रखता है। उसको जब तालियों की गड़गड़ाहट मिलती है, उसके जीवन का साधन उसके पास होता है, थोड़ा अंदर से कोमल होता है कलाकार, वो इस तरह की चीजों को पसंद नहीं करता है कि कहीं जाके कहे, बाहर जाएगा तो अच्छा कुर्ता कपड़ा साड़ी पहन के जाएंगे, हम भी ये शो नहीं करेंगे कि हम भूखे हैं। आप एक महिला हैं और महिला होते हुए आपने अपने लिए एक मुकाम हासिल किया, तो शौक को अधिक वक्त देना एक महिला के लिए आसान नहीं होता है, ये आप मानिए। आपने कैसे कैसे किया ये सब कुछ मुमकिन? देखिए, उसके लिए एक तो आपको लगन चाहिए पहले तो, और दूसरा ये होता है कि आपके निष्ठा होनी चाहिए अपने गुरु के प्रति, अपने कार्य के प्रति। क्योंकि जिस दिन हम ये कथक सीखते हैं तो हम पहले यही सीखते हैं, ता थे ही थे ही तन। इसका अर्थ मैं बता देती हूँ कि त से तन, थ से थल और ई से वो ईश्वर, उस परम पिता ईश्वर के लिए मैं सदा नृत्य करती रहूंगी। और वो परम पिता ईश्वर हमारे घट घट में है, ऐसा मानते हैं ना, तो हमारे मन को अगर हम प्रसन्नचित है, हम खुश होके डांस कर रहे हैं, वही असल नृत्य है। आज कथक में कलाकार क्यों नहीं बन रहे, आपका अगला प्रश्न ये भी हो सकता है, क्यों नहीं बन रहे हैं? क्योंकि अगर केजी से लेकर के एमए तक कोई डांस करेगा तो वो कलाकार नहीं बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वो फिर अपने सब्जेक्ट के बारे में ही सोचता रहेगा और वो उसमें द बेस्ट देने की कोशिश करेगा। बहुत ही अच्छा लगा आज गुरुजी आपसे बातचीत करके, क्योंकि हमने ये जाना कि सिर्फ नृत्य एक आर्ट फॉर्म नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व को निखारने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जरिया है। और अब जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन के हमारे इस इनिशिएटिव, हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान से जुड़कर, आपको कैसा लगा? मुझे हमारा राजस्थान सक्षम राजस्थान बहुत अच्छा लगा, और सब आप लोगों से जुड़ के तो और भी अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम वर्क को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हमारी जो दिया कुमारी जी हैं, जो उनका फाउंडेशन है, उसमें इतना प्रयास चल रहा है कि ऐसे समय में कलाकारों को तो एक दूसरे से मिला ही रहे हैं, लेकिन सभी लोगों से उनको रूबरू करा रहे हैं। तो हो सकता है कहीं कहीं किसी को कोई बात अच्छी लग सकती है, कहीं बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं बुरी लगी है तो मैं क्षमा चाहती हूँ, और अच्छी लगी हो तो प्लीज उसको अपने में संग्रहित करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।